हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज का हमारा टॉपिक होगा इकोलॉजी ऑफ लेक्स आज हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है इकोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज़ नॉन एज इकोलॉजी इकोलॉजी क्या होती है ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ठीक है ना अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी इन्वामेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं हम इकोलॉजी में इस इस हवाले से पढ़ते हैं चूँकि हम यहाँ पे इन्वामेंट लेक को ले रहे हैं तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेक के ऑर्गेनिजम्स के इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के वो लेक की इन्वायमेंट में किस तरह से सर्वाइव करते हैं और लेक की किस तरह से इन्वामेंट होती है जो लेक होती है वो होती क्या लेक जो होती है ना ये डीप वाटर बॉडीज़ होती हैं और ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं ठीक है ना और लेक जो होती है ना इसकी कंटिन्यूटी नहीं होती है सी से कई सारी टाइप्स होती हैं लेक्स की ग्लेशियर लेक गैबन लेक टेक्टोनिक लेक अर्थक्वेक लेक लैंडलाइड वेव बेलकॉनिक लेक एंड लावा लेक जो जो ग्लेशियर लेक होती है वो ग्लेशियर से बनी होती हैं गैबन लेक्स दो पैरालल बॉडीज से बनी होती हैं वोल्केनिक लेक वोल्केनोसिस बनी होती हैं लावा लेक्स होती हैं हम लेक को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन। अब इसके चार हम टाइप्स पढ़ेंगे बेसिक ऑलिगो लेक्स मिजो लेक्स यू लेक्स एंड डाई लेक्स जो ऑलिगोट्राफिक लेक्स होती है ना इनमें लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मीजोट्रॉफिक लेक्स में इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और यूट्रॉफिक लेक में हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ऑलिगोट्रॉफिक लेक होती है ना इसमें वाटर क्लियर होता है और कोल्ड होता है इनमें जो ऑर्गेनिक मैटर है ना उसकी प्रोडक्शन लो होती है अब ऑर्गेनिक मैटर लो होगा तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स की प्रोडक्शन भी लो होगी इसमें नाइट्रोजन एबंडेंट होता है लेकिन फॉसफोरस इसमें लिमिटेड होता है अब फॉसफोरस लिमिटेड होगा यानी फास्फोरस अगर कम होगा तो एल की प्रोडक्शन भी कम होगी बिकॉज जो फास्फोरस होता है वो एल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है अगर फास्फोरस कम है तो डायरेक्टली एल की प्रोडक्शन भी कम होगी और अगर एल की प्रोडक्शन कम है तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा क्योंकि एल हमेशा ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है इसलिए एल की प्रोडक्शन अगर कम है तो इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है और जो ऑलिकोट्रॉफिक लेक्स में जो एक्वाटिक बॉडीज़ पाई जाती हैं वो होती हैं डीप वाटर सेलमॉन्स ट्रॉट्स एंड वाइट फिशेस अब हम सेकंड बात करते हैं मीजोट्रॉफिक लेक्स की जो मीज़ोट्रॉफिक लेक्स होती हैं ना इनमें इंटरमीडिएट प्रोडक्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की और ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स की प्रोडक्शन होती है वो उसकी लिटोरल जोन में होती है हम आगे डिस्कस करेंगे कि लिटोरल जोन कौन सी जोन होती है वहाँ पे न्यूट्रेंट्स की प्रोडक्शन हाई होती है और जैसे जैसे हम इन लेक्स में डीप इन साइड उनमें ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम होता जाएगा इस इस तरह के लेक्स में जो फिशेस पाई जाती हैं वो वैली बर्ड्स स्मॉल माउथ बास होती हैं ठीक है यूट्राफिक लेक्स होती हैं ना ये हाई फर्टाइल सॉइल में होती हैं मतलब ये जिस सॉइल के करीब लेक होती है ना वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ज़्यादा होती है इनमें ऑर्गेनिक मैटर की प्रोडक्शन हाई होती है इनमें न्यूट्रिएंट्स हाई होते हैं इनमें हाई नाइट्रोजन होता है हाई फास्फोरस फॉस्फेट होता है अगर फॉस्फेट और इनमें जो ऑक्सीजन होता है ना वो लो होता है ठीक है और इनमें जो फिश पाई जाती हैं वो होती हैं पाइक कैटफिश आगे हम डाइस्ट्रॉफिक लेक की बात करेंगे जो डायस्ट्रॉफिक लेक्स होती हैं इनमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है लेकिन इन इनमें ऑर्गेनिक मैटर तो ज़्यादा होता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस होता है अब हमने पढ़ा ह्यूमस कौन सा होता है ह्यूमस वो सॉइल होती है जिसमें क्या होते हैं कि डेड लीव्स जब गिर जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो ह्यूमस की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसी तरह से एनिमल्स के जो ह्यूमस होता है उस फॉर्म में तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस होते हैं इन लेक में ठीक है ना इनमें आ जाएगी मट मन्यूकस और जोनेशन ऑफ लेक्स लेक्स में बेसिकली ना तीन जोनस होती हैं जिसे हम डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं लिटोरल जोन लेमिनेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन जो लिटोरल जोन होती है ना ये जो साहिली एरिया होता है वाटर का वो होता है साहिली लिटोरल का मतलब ही साहिली है साहिल साहिल जिसमें मिट्टी होती है वहाँ पे सनलाइट भी इजीली पहुँच सकती है अब यहाँ पे आप देखें कि सनलाइट इजीली ईजिली पहुँच रही है तो यहाँ पे मट्टी भी है पानी भी है सोइल भी है फोटोसिंथेसिस भी होगी यहाँ पे जो बेसिकली जो जैसे कि टोरटाइज वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे जो रेटोरल होती हैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की प्रोडक्शन हाई होती है ठीक है ना फिर आ जाती है ओपन वाटर जोन ओपन वाटर जोन में भी हम इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं एक होती है लिमिनेटिक जोन एक प्रोफंडल जोन जो ऊपर वाली लिमिनेटिक जोन है ना वो कहाँ तक होगी जहाँ तक सनलाइट पहुँच सकेगी वहाँ पे जहाँ तक सनलाइट पहुँचेगी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी साइनोबैक्टीरिया होगा कई सारी फिशेस भी पाई जाएंगी फाइटो होंगे जू होंगे क्रस्टेशियंस वगैरह ये सब कुछ होंगे ठीक है और जो नीचे की तरफ आ जाएं डीप इन साइड तो प्रोफांडल जोन है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर तो होता है लेकिन यहाँ पे सनलाइट नहीं होती जिसकी वजह से यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होती बॉटम फीडर्स होती हैं वो यहाँ पे जो बॉटम में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उनको फीड करती हैं जैसे फिशेस होती हैं जो मर जाती हैं जब जब ये बॉटम में आ जाती हैं प्रोफांडल जोन में तो क्या करते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें डिकम्पोज कर लेते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर तो वहाँ होता है जो कि जो डीप वाटर फिशेज़ होती हैं वो उनको खाती हैं आगे हम लेग स्टार्टिफिकेशन की बात करते हैं लेग स्टार्टिफिकेशन क्या होती है स्टार्टिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स अगर हम लेक में बात करेंगे तो लेक की तीन लेयर्स होती हैं एपी लेमिनियन मेटा लेमिनियन एंड हाइपो लेमिनियन जो एपी लेमिनियन होती है ये टॉप लेयर होती है और मेटा लेमिनियन मिडल लेयर होती है इसे हम थर्मोक्लाइन भी कहते हैं और इसका बेसिकली फंक्शन होता है ये ग्रेजुअली चेंज करती है टेम्परेचर को और हाइपो लेमिनियन ये सबसे बॉटम लेयर होती है ठीक है ना बॉटम पार्ट होता है बेसिकली क्या होता है ओवर टर्न की बात करते हैं हम जो समर में क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी की वजह से एपिलेमिनियन होती है जो टॉप लेयर होती है वो गर्म हो जाती है ठीक है जब वो गर्म हो जाती है तो फिर नीचे का जो बॉटम का हाइपो का पानी है वो ठंडा होता है और जो थर्मोक्लाइन है वो चेंज कर देती है गर्म वाटर को कोल्ड में ठीक है ना इसी तरह विंटर में क्या होता है एपिलेमिनियन कोल्ड होती है और हाइपोलेमिनियन वार्म होती है और थर्मोक्लाइन बेसिकली क्या करती है ग्रेजुअली चेंज करती है टेम्परेचर को अब इन दोनों के दरमियान में एक फॉल सीज़न आता है एक स्प्रिंग सीज़न आता है इसमें जब टेम्परेचर टर्नओवर होता है बेसिकली जब वो टेम्परेचर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाएगा जिसे हम टर्न ओवर कहते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिक्स हो जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल भी बेटर हो जाता है लेक का ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लेक को ह्यूमन इम्पैक्ट्स अर्बनाइजेशन ओवर फिशिंग करने से केमिकल इंडस्ट्रीज जो अपना केमिकल्स थ्रू आउट करती हैं उसकी वजह से और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स की वजह से अब एक फ़ूड चेन होती है लेक में जो फाइटो होते हैं ये ज़ू प्लेंगटोन्स इन्हें खाते हैं और जू प्लैंगटों को स्मॉल फिशेस खाती हैं स्मॉल फिशेस को टॉप रिडेटर्स होते हैं वो खा लेते हैं या जो लार्ज फिशेस होती हैं वो खाती हैं तो ये इस तरह से लेक की फूड चेन होती है थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल